नमस्कार, मैं हूं प्रथम मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे हैं दिल्ली तक। तेल के दाम रोजाना बढ़ रहे हैं। ये जो पेट्रोल डीजल के दाम जो 20 पैसे 30 पैसे बढ़ रहे हैं, ये आम जनता की जेब पर जो असर डालने वाले हैं उससे सभी चिंतित हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेल के दाम बढ़ने के पीछे की इकोनॉमिक्स क्या है? आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि कैसे बढ़ते हैं तेल के दाम। सऊदी अरब में तेल प्लांट पर हमले के बाद, एक ड्रोन अटैक हुआ था कुछ दिन पहले, उस हमले के बाद से तेल के दामों में, कच्चे तेल के दामों में जो इजाफा हुआ है वो 19% का हुआ है। ये जो इजाफा हुआ है ये एक बार के इजाफे के हिसाब से सबसे बड़ी उछाल है। 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था उस समय भी इतनी उछाल नहीं हुई थी जो कि इस बार देखने को मिली है। तो इसका सीधा असर जो देश सऊदी अरेबिया से तेल मंगवाता है उन पर पड़ने वाला है। तेल के दाम हमेशा से फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि इसकी कीमत बदलते रहती है, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो चलिए आपको आज बताते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है। सबसे पहली वजह है OPEC, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये सबसे बड़ी वजह है ऑयल प्राइस के फ्लक्चुएशन की। OPEC दुनिया के तेल की आपूर्ति का 40% नियंत्रण रखता है। दूसरी वजह होती है बाजार में डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी हो सकती है। लगातार 5 सालों से कभी ज़्यादा डिमांड तो कभी कम सप्लाई की वजह से होता आया है। तीसरा कारण हो सकता है नेचुरल डिजास्टर। इसके साथ ही प्रोडक्शन कॉस्ट भी क्रूड ऑयल के दामों को प्रभावित करती है। ड्रोन हमलों की वजह से 57 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन प्रभावित हुआ है। तो चलिए आपको इसके बारे में और विस्तार से बताते हैं कि ड्रोन अटैक के बाद क्या क्या और क्रूड ऑयल की खपत और दाम में कितना अंतर आया है। ड्रोन हमले के चलते तेल उत्पादन में तेज गिरावट आने से इंडियन स्टॉक मार्केट पर थोड़े समय के लिए दबाव बन सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आम तौर पर क्रूड ऑयल के दाम और इंडियन स्टॉक्स की चाल में उल्टा संबंध होता है। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको के 2 प्लांट पर 14 सितंबर को यमन के हूती विद्रोहियों ने ड्रोन से हमला कर दिया था। इससे सऊदी अरब में कच्चे तेल का प्रतिदिन उत्पादन 57 लाख बैरल घट गया था। इस वजह से 16 सितंबर को कच्चे तेल की कीमत में 20% उछाल आया था। सऊदी अरब ने अपने रिजर्व संसाधनों की मदद से ग्राहकों को आपूर्ति में कमी नहीं आने दी। सऊदी अरब दुनिया भर को हर दिन 70 लाख बैरल क्रूड सप्लाई करता है। इस पूरे मामले पर सरकार की स्थिति क्या है ये भी हम आपको बता देते हैं। रियाद में भारतीय राजदूत ने अरामको के वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों से संपर्क किया है ताकि भारत को लगातार आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक ट्वीट में लिखा, हमने सितंबर में तेल कंपनियों के कच्चे तेल आयात की समीक्षा की है। हमें विश्वास है कि भारत के लिए आपूर्ति बाधित नहीं होगी। हम स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं। तो देश में वैसे ही मंदी का दौर माना जा रहा है, अभी की मंदी चल रही है। ऊपर से ये बढ़ते तेल के दाम सरकार की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं, लेकिन ये कितने दिन तक होता है ऐसा ये देखना भी दिलचस्प होगा। दिल्ली तक पर इस तरह की खबरों के लिए दिल्ली तक को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Twitter पर फॉलो करें और Facebook पर लाइक करें।